बदलते मौसम में लोगों की सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। लोग बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। हालत यह है कि जिला अस्पताल में दिखाने आए 100 मरीजों में 60 से 70 मरीज मौसमी बीमारी से पीड़ित मिल रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन मौसम इसी तरह परिवर्तनशील रहने की उम्मीद है। हालांकि दिन में कभी तेज धूप तो कभी बादल भी छा रहे हैं, साथ ही रुक रुक कर बरसात भी हो रही है। बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संबंध में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार गौरव ने बताया कि मौसम बदल रहा है, इससे सीजनल बीमारी बढ़ रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम भी सीजनल बीमारी है। इसमें ठंडी चीज़ें जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम, अचार, कोल्ड ड्रिंक, दही, केला जैसी चीज़ों का सेवन न करें। इस बीमारी से निराश न हो, जिला अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। वहीं इस संबंध में जिला अस्पताल के कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सर्दी, जुकाम और बुखार हर बार कोरोना के लक्षण नहीं होते, मौसम बदल रहा है। मौसम के बदलने के कारण तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार गौरव और जिला अस्पताल कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, सीजन है, इस संक्रमित सीजन माना जाता है। इसमें पेट में दर्द होता है, पेट में टाइफाइड के कीटाणु जो पानी से संक्रमित पानी से गुनगुना करके पीजिए। हाँ, पीजिए, संक्रमित जगह पर मत जाइए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। पर्ची कहाँ है? हाँ, कहे तो इस समय में एसकेबीज होता है, एसकेबीज के बहुत सारे कीटाणु में जो है फैलाई करता है। पर्ची दीजिए। गणेश कुमार गौरव है। देखिए, अब बरसात की सीजन आ गई है। इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, ब्लडी डायरिया, ये सब का मरीज सबसे अधिक आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सर्दी, जुकाम, बुखार कोरोना के ही लक्षण है, ये सीजनल लक्षण भी हो सकता है। ये अभी बरसात के समय है, बरसात में बहुत मेनी काइंड्स ऑफ कीटाणु एक्टिव हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया सब एक्टिव हो जाता है, तो इससे सीजनल सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सर्दी, खांसी, जुकाम कोरोना ही होगा, इससे घबराए नहीं लोग। डॉक्टर से मिले, ठंडा चीज न खाए, दही, केला, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब न खाए, संक्रमित जगह पर जाने से बचे, और साफ सुथरा रखे, बासी खाना, संक्रमित खाना न खाए। ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अब कुछ दिनों से बारिश शुरू हो गई है, कुछ लोग बारिश में भीगने के वास्ते सर्दी, खांसी, जुकाम लेकर के भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों का मन में शंका है कि सर कहीं हमें कोरोना का संक्रमण तो नहीं हो गया है। हर सर्दी, खांसी, जुकाम कोरोना संक्रमण नहीं होता है, ये मौसम के बदलने की वजह से या बारिश में भीगने की वजह से हो सकता है। यदि सर्दी, खांसी, जुकाम एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल में डॉक्टर से दिखावें और अपना परीक्षण करावें, और कोशिश करें में बारिश में भीगे नहीं और अपने आप को बचा करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके रहें।